यह हर मौसम में ही बहुत खूबसूरत लगता है और ये खूबसूरती आपसे शेयर करने के लिए हमने पूरा एक साल वेट किया। हमें इतना इंतजार क्यों करना पड़ा ये जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो आओ मुझे पकड़ के रखो, मैं ना नीचे गिर। सबसे पहले हम पर्पल माउंटेन की लेक से स्टार्ट करते हैं। वैसे तो यहाँ छोटी छोटी बहुत सी झीलें हैं जो हर मौसम में अपना रंग बदलती रहती है, जिन्हें देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। स्प्रिंग और ऑटम में इनका रंग कैसे तब्दील होता है ये हम आपको अभी दिखाते हैं। झील का ऐसा रंग स्प्रिंग सीजन की वजह से नजर आ रहा है और ये देखिए ऑटम सीजन में कैसे सब कुछ लालो लाल हो गया है, जिसकी वजह से झील कितनी प्यारी लग रही है। बहुत अच्छी है, कितना अच्छा लग रहा है। हाँ, इतनी मजे की लहरें बन गई हैं इसके अंदर। तो अगर हाथ में अगर जम करेंगे तो और गहरा बनेगी, अगर आप फटा खाएगी तो और गहरा बनने लग जाएगी। ओके, ध्यान से जाओ। यह फूल की उससे भी ज्यादा अच्छी टेस्टी वाली खुशबू है। वाकई? हाँ, देखो यहाँ पे कितने अच्छे, देखो दरख्त के ऊपर कैसे इतने प्यारे प्यारे फूल लगे हुए हैं और लग भी कितनी अच्छी रही है। हाँ, वो तो कभी इसकी गहरे बनी इतनी अच्छी। हाँ, क्योंकि हवा थोड़ी थोड़ी जब चलने लगती है ना तो जिस साइड को हवा चल रही होती है उसी साइड को लहरें बनने लग जाती है। हाँ, ये मुझे पर्पल फ्रूट की पर्पल फ्रूट मम्मी मुझे पर्पल फ्रूट का नाम है लियू क्विटिंग। यहाँ पर छोटा सा जू है जिसमें हिरन और प्याली प्याली डक्स लगती है।
पर्पल माउंटेन की तो सड़कें भी बहुत मशहूर हैं, क्योंकि उनके दोनों तरफ प्लेन ट्रीज, जिन्हें फ्रेंच फोनिक्स ट्रीज भी कहा जाता है, लगे हुए हैं। और ये दरख्त हमारे नाजिक सिटी की पहचान है। क्या आप जानते हैं ये इतने प्यारे क्यों लगते हैं? तो इसकी वजह ये है कि एक इतनी हाई तक पहुंचकर इन दरख्तों की शाखें ऐसे फैल जाती है कि पूरी सड़क को कवर कर लेती है और एक छतरी बना देती है। ये दरख्त 1928 में चाइनीज लीडर सरी आर्सर ने लगवाए थे, इसलिए कुछ रोड्स को आज भी उनके नाम पे सन यार्सन स्ट्रीट कहा जाता है। स्प्रिंग सीजन का ग्रीन कलर हो या ऑटम सीजन का येलो और ऑरेंज कलर, सभी अच्छे लगते हैं। और हमें तो गिरे हुए पत्तों से खेलना बहुत ही पसंद है। इस जगह को कहते हैं म्यूजिक स्टेज। यहाँ पे बहुत से कबूतर परफॉर्म करते हैं और जब ये एक साथ उड़ते हैं तो हमारा भी दिल करता है कि हम भी उनके साथ उड़ें। लेकिन आप भी कबूतरों के साथ उड़ नहीं जाना है, बल्कि आपने हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। दरख्तों के दरमियान इस जगह को कहते हैं मिलविंग पैलेस। इसकी प्लांटेशन ऐसी की गई है कि ये दूर से नजर आता है और ऑटम सीजन में ये पैलेस बहुत ही खूबसूरत लगता है। और ये है सनियासन टॉम। यहाँ पर पहुँचने के लिए बहुत सी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है और फिर भी अंदर शूटिंग करने नहीं देते। ये झील नानजिंग बोटेनिकल गार्डन में है। वैसे तो यहाँ काफी बोट्स चल रही थी, लेकिन यहाँ कुछ लोग अपनी बोट्स भी ले आते हैं। मौसम के साथ पर्पल माउंटेन के बदलते रंग दिखाने के लिए हमने इस वीडियो की शूटिंग 2 पार्ट्स में की, जिसकी वजह से हमें सीजन चेंज होने का वेट करना पड़ा। एक ही वीडियो में आपको स्प्रिंग और ऑटम सीजन के रंग देख के कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। पर्पल माउंटेन की ये जगह एक जैसी बिल्डिंग्स की वजह से मशहूर है। इन बिल्डिंग्स में ऑफिसेस, होटल्स, कॉफी शॉप, स्कूल्स, लाइब्रेरी और एग्जीबिशन सेंटर्स भी हैं। ये जगह हमारी बहुत फेवरेट है, क्योंकि यहाँ पे कुछ सिंक्स भी लगे हुए हैं। हम यहाँ अक्सर शाम को आते हैं, लेकिन हम लोगों को बहुत मच्छर काटते हैं, इसलिए हम अपने साथ मच्छरों वाला स्प्रे लाते हैं। अगर आप भी यहाँ पर आना चाहते हैं तो मच्छर मार स्प्रे जरूर रखें।